और कुछ सबको लग जाने का सकता हो सोचा उठा ला रहे दल 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 चार कैमरा चारों रेडी हो जाए नोटबंदी तो फेल हो गई लेकिन पैसा पता लगाने की नहीं देखा नोटबंदी बस कर रही कितना ज्यादा कौन लगे वाला से नहीं सर ज्यादा कौन लगे शॉर्ट्स ले कोई विषय था नहीं कि जिसमें हम काम करें। बॉम्बे टॉकीज ने हमेशा हिंदुस्तानी सिनेमा को क्या विश्व को एक नई दिशा दी है, कुछ नए प्रयोग किए हैं और 20 सालों में 100 फिल्में बनाकर उन्होंने इतने काम कर दिए थे, कुछ नया बचा था नहीं। और इतने साल बाद वापसी करने के लिए कई बार बॉम्बे टॉकीज ने सोचा क्या करना है क्या नहीं, फिर ये तय हुआ कि वो करते हैं जिसपे हमने कभी फिल्म नहीं बनाई हुई आज़ाद। तो आज़ाद फिल्म बनाने का जैसे एक श्लोक है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतम गमया, यानी असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, जीवन से अमृत की ओर, वही जिंदगी आज़ाद की है। आज़ाद को वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके हकदार थे, तो आज़ाद को सम्मान मिलना चाहिए। उनके व्यक्तित्व से दुनिया के सारे लोग, भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी लोग जाने कि हिंदुस्तान में ऐसा भी कोई व्यक्तित्व था जो हिंदुस्तानी पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता था। इसलिए हमने 26 भाषाओं में पिक्चर बना के उनके पुरुषार्थ को, उनके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया के सामने लाकर एक श्रद्धांजलि, एक आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं हम लोग। तो भाई आज़ाद बन चुके पहले आज़ाद को पिक्चर नहीं बनी, आज़ाद को हमेशा कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया भगत सिंह की फिल्मों में। आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फणेंद्रनाथ घोष, सुचिला दीदी, वैशम पायन, धन्वंतरी, यशपाल जैसे 2500 क्रांतिकारी गुरु उनके मार्गदर्शक थे, यानी टिल डेथ भगत सिंह के गुरु आज़ाद थे। अब भगत सिंह जब बम फेंकने गए तभी आज़ाद नाराज थे। आज़ाद कहना था कि हम लोग अहिंसावादी नहीं है, हमारा काम हथेलियाँ निकालना, गर्दन काटना अंग्रेजों के, ये कोई बम मार के कोई पत्र को कहीं ना कहीं विरोधाभासी भी इसमें रहा है। तो आज़ाद को वो न्याय नहीं मिला जो मैंने पहले भी कहा कि वो हक, वो सम्मान नहीं बल्कि हकदार थे। तो आज़ाद व्यक्तित्व को पूरी दुनिया के सामने लाने की हम लोग एक कोशिश है, एक तरह की बायोपिक है कह सकते हैं, बायोपिक भी है। और अगर आज़ाद पहले थे तो क्या थे और आज आज़ाद होते तो क्या होते, वो हमारी कहानी है। जी हाँ, आज़ाद व्यक्तित्व को 14 साल की उम्र पत्थर मारा, 14 साल की उम्र गिरफ्तार हुए पहली बार और कहा था कि आज तो गिरफ्तार किया, दोबारा गिरफ्तार नहीं हो पाएगी। तो आज़ाद ने हमेशा जो बचपन में कहा वो बाद में ध्यान में थी, आखिर में भी गिरफ्तार नहीं हुए, खुद अपने आप उन्होंने गोली मार के शहीद हुए। अभी अपने कहा 26 भाषाएं बनी जी, क्या वजह है इसकी, क्या वजह है मान के आपकी 26 भाषाएं बनाएं, अंग्रेजों को क्या मतलब है आज़ाद से या उनको क्या मतलब, छापने से क्या मतलब? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। बाहर के लोग की फिल्म देखते हैं हमको क्या मतलब कि बॉलीवुड हॉलीवुड से हमको क्या लेना था, यूके से क्या मतलब, फ्रेंच की है, यहाँ दुनिया भर के सेमिनार लगा के आंस क्रांस करके लोग फिल्में देखते हैं, वहाँ जाके दुनिया भर की भाषा नहीं समझ में आती है, आंख नीचे देखते हैं वो क्या बोलते हैं, सब टाइटल ऊपर देखते हैं, पिक्चर समझ में आने वाली है नहीं। तो खानापुरी की फिल्में बन रही है तो उस युग में हम लोग अपनी चीज़ अपनी भाषा में उनको परोसेंगे, मैं गाना भी उनकी भाषा में करना, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, डेनिश हो, स्पेनिश हो, चाहे वो क्या कहते हैं रशियन हो, चाहे हमारी भाषाओं में भी जो फिल्में हैं, जैसे हमारे पूर्वी उत्तर पूर्वी प्रदेश हिंदुस्तान का जो है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब भी हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान कटा हुआ है। मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ, मुझे न के बराबर लोग दिखाई देते मणिपुर के, मणिपुर के लोग मुझे न के बराबर दिखाई देते हैं, तो क्या ये देश नहीं है? तो जो हम वहाँ पे जाएँ वो वहाँ से यहाँ पे आए, तो हिंदुस्तान को भी एकता की ज़रूरत है। तो ये फिल्म वसुधैव कुटुंबकम के तहत हिंदुस्तान के साथ साथ भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी लोगों को जोड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये फिल्म कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें जो है दुबे जी की बात करें, मानी दुबे जी
निश्चित और प्रमोट करने वाले उनको प्लेटफॉर्म देने वाले निश्चित आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि इसमें बहुत ही उम्मीद भी बढ़ जाएगी। हमेशा बॉम्बे टॉकीज ने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी है, चाहे अछूत कन्या बनाया, बंधन, झूला, कंगन, किस्मत, महल, जो उन जितनी फिल्में बनाई उन्होंने 100 फिल्में, हमेशा कुछ नई नई फिल्में थी। यहाँ तक कि दूसरे मेकरों को भी बॉम्बे टॉकीज ने दुबे जी ने उनको प्रोत्साहित किया। दुनिया ने माने जैसी फिल्म बनी है, पहली बार हिंदुस्तान पिक्चर बनी जो विधवा की शादी की वो फिल्म बनी, जो अपने आप में विषादन बनाई थी, अपने आप एक यूनिक मूवी थी। अछूत कन्या भी ब्राह्मण लड़का और बैको लड़की की प्रेम कहानी अछूत कन्या बनाई, ऐसे नए नए प्रयोग किए। आजाद भी उन्हीं प्रयोगों में से एक प्रयोग होगा। आज का दौर चल रहा है 70 में, आज लगता है आज के जो दौर के लोग हैं, इस तरह की फिल्में, पैट्रिक फिल्में, देशभक्ति फिल्में देखना पसंद, जानना होगा, देखना होगा। अगर भारतीय हो तो आपको भारतीय रूप से परिचित होना होगा, राष्ट्रवाद से परिचित होना होगा आपको। और अब आप की प्रॉपर्टी लेते हो, दादा की प्रॉपर्टी लेते हो आप, तो आपको सनातनी परंपराएं उसका पालन करना हो अगर आप हिंदुस्तानी हो तो। चलाएंगे ना, मैं कर रहा हूँ ना, आजाद आ गया है, चलाएगा ना। हर भाषा में पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ, जर्मन हो, फ्रेंच हो, जितनी भाषा बताया मैंने, अपनी चीज परोसेंगे, आदत डालेंगे, उनकी आदत, हम उनकी फिल्मों को देखने की हमारी आदत हो चुकी है, तो हमारी फिल्मों को उन्हें आदत करनी होगी, ये मेरी कोशिश होगी। म्यूजिक की बात करें, इंटरनेशनल में जो है म्यूजिक नहीं चलता है, तो उसके लिए क्या है? मुझे फॉरेन के जो एल्बम चलते मुझे पसंद नहीं आते, तो भी यहाँ के लोग देखते हैं। हाँ, उसके कह रहा हूँ मैं, आप कहने जा रहा हूँ कि उनकी फिल्में मुझे पसंद नहीं आती, मैं देखता भी नहीं और देखता हूँ भी पसंद नहीं आती, तो मैं चाहता हूँ जो मुझे पसंद है वो तो परोसूँ, मैं वो तो दिखाऊँ, तो अपने हिंदुस्तानी तरीके गाने भी उनकी भाषा में उनको देने जा रहा हूँ मैं। एकदम वंदे मातरम का जो गाना हमने शब्द इस्तेमाल किया है, आज तक किसी फिल्म में बंकिम चंद्र के द्वारा लिखित वो गाने का वो अंतरे कभी इस्तेमाल नहीं हुए जो मेरे पिक्चर में इस्तेमाल किए। सिंगर कौन है इसमें? अब देखो कई लोग हैं, किसी नाम का मतलब नहीं, पिक्चर देखो बताओ। मिका सिंह भी है, भपलेरी भी है, कुछ कई तीन पाँच चार पाँच बने लगता नहीं कि इस फिल्म के बाद और भी लोग बनाएंगे। मैं चाहता हूँ बनाए, आजाद के ऊपर फिल्म बनना चाहिए। राष्ट्रपुत्र आने वाले लोगों की कल दिशा होगा कि आजाद का व्यक्तित्व, आजाद का पुरुषार्थ, आजाद का सनातनता, वही राष्ट्रवाद, वही भारत की पहचान है। सर, ये सवाल है कि ये टैक्स फ्री हो गई मूवी, काफी बड़े बजट की फिल्म है और टैक्स फ्री पिक्चर बनाई नहीं है, फिल्म कमाने के लिए बनाई नहीं है। मैं चाहता हूँ आजाद का व्यक्तित्व, आजाद के विचार दुनिया देखे, दुनिया जाने। मैं तो ऐसी भाषा को टच कर रहा हूँ जहाँ पॉपुलेशन का, मैं खास कर रहा हूँ मेघालय की, बोडो में कर रहा हूँ, मैथी कर रहा हूँ मणिपुर पे, और थिएटर नहीं वहाँ पे, तब भी उनकी भाषा पिक्चर बना रहा हूँ, ताकि हिंदुस्तान के जो प्रदेश आपस में 27-28 है, वो भी एक दूसरे के करीब रहे, एक दूसरे को समझें। प्रमोशन के लिए क्या देखते हैं, अभी तो शुरुआत हो गई, देखते तय करते हैं, जो सही हुआ करेंगे हम लोग। हिंसा दम तोड़ती है तब तब आजाद जन्म लेता है, आजाद मरते, आजाद मरा नहीं करते, आजाद मर ही नहीं सकते, आजाद जन्म मृत्यु के पार सनातन है, वही आजाद है। थैंक यू सर।